बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी और बताऊंगी शेरवानी कॉलर डोरी पाइपिंग के साथ। और शेरवानी कॉलर के बीच में हम उतारेंगे सिलिट, सिलिट जो उतारेंगे उसके बीच में हम लगाएंगे डोरी पाइपिंग जो कि इससे बनेगी। ये है शमा डोरी और इसके बीच में जो पाइपिंग के लिए कपड़ा यूज़ होगा वो ये है, प्रिंटेड कपड़ा है। आप चाहें तो अपने ड्रेस के हिसाब से सादा कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं लूँगी प्रिंटेड कपड़ा जो इसी के बॉर्डर में आया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हम लेंगे बुकरम जो कि सीधे में लेंगे, आड़े में नहीं लेंगे। आड़ा हमारा बुकरम इस तरह होता है और सीधा बुकरम हमारा इस तरह होता है। तकरीबन 8 इंच चौड़ा हम बुकरम लेंगे और उसे हम प्रेस की मदद से सीधा करेंगे ताकि बीच में जो भी झोल या सरवट हो वो निकल जाए। और चौक की मदद से हम इसके बीच में क्रिस बनाएंगे। जो मेरी वीडियो देखते हैं वो जानते होंगे हम हमेशा क्रिस बनाते हैं। इससे हमारा सेंटर बहुत ही परफेक्ट बैठता है। ये बुकरम है, इसके ऊपर हम अपनी शर्ट का जो फ्रंट हिस्सा है वो रखेंगे। और जो गला हम तैयार कर रहे हैं वो मीडियम साइज़ है। हमारे गले की जो चौड़ाई होगी वो होगी 2.5 इंच और 2.5 का फुल बनता है 5 इंच। तो हम इसका निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। और जो हमारे गले की गहराई होगी वो होगी 3 इंच पर। और हम इसे इससे मिला देंगे। और जो हमारे गले की गहराई होगी यानी कि हमारा डीपनेस होगा वो होगा 7 यानी कि 7.5। और वी कट जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे 1 इंच का और यहाँ निशान हम लगाएंगे 1/2 इंच का। इसे स्केल की मदद से इससे मिला देंगे। और अब कट कर देंगे। ये तो हो गया हमारा गला। अब हम इसकी जो स्लिट उतारेंगे उसका हम निशान लगाएंगे 18 इंच पे। यानी कि जो बड़े साइज़ की स्लिट होती है वो होती है 18 इंच पे। और अगर आपका साइज़ छोटा होगा तो आपकी स्लिट का साइज़ भी छोटा होता जाएगा, 16 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना है। फुल साइज़ हमारा 18 होगा यानी कि 18 इंच। और एक निशान हम 18 इंच पे लगा देंगे। और हम इसका एक्स्ट्रा बुकरम कट करके निकाल देंगे। ये जो बुकरम है इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये हम आगे जाके यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर हम ये बुकरम चिपका लेंगे अपना। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने इसका निकाल दिया है और इसका जो बीच का कपड़ा है ये भी हम निकाल देंगे। अब हम इसके बराबर बराबर सिलाई लगाते जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम सेंटर बनाने के लिए चौक से सीधा निशान लगाते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी सिलाइयाँ कितनी सीधी आई हैं और परफेक्ट आई हैं। और बीच में ये जो मैंने 1/4 इंच यानी कि
हाफ इंच से भी कम का गैप छोड़ा है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी ये क्यों छोड़ा था। और अब हम इसको सीधा कट कर देंगे। और कट करने के बाद देखें इतना इतना बुकरम हमने छोड़ा है ताकि हमारा कपड़ा नहीं निकले। और एक स्क्वायर के बीच में इस तरह का कट लगाना है। इसे अब हम प्रेस करेंगे। गला हमारा हाफ डन हो गया है, अब हम इसे तुरपाई करके नीट कर देंगे। मैंने गले को तुरपाई करके रेडी कर लिया है और नीटनेस आपके सामने है। तो अब हम तैयार करते हैं अपनी डोरी पाइपिंग जो कि इस कपड़े से तैयार होगी। उससे पहले हम गले की लेंथ ले लेंगे कि हमें कितनी पाइपिंग तैयार चाहिए। तो ये हमारे गले की पाइपिंग 18 इंच पे आ रही है, 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे यानी कि 20 इंच, हमारी पाइपिंग बढ़ जाए पर कम नहीं हो। हमारे पास ये सीधा कपड़ा है, आपके पास आड़ा हो या सीधा हो कोई भी हो पाइपिंग वैसे ही तैयार होगी। हमने 1.5 इंच पे प्रेस से पट्टी बिठा दी है। और 20 इंच की पट्टी हम निकाल लेंगे ऐसे 20 इंच पे निशान लगाकर। ये पट्टी हमारे आड़े फैब्रिक में है यानी कि ये हमारे जो प्रिंट है उसमें ये आड़ा डिज़ाइन है, तो ये पाइपिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो चलिए तैयार करते हैं डोरी पाइपिंग लगाने के लिए। हम इसका बूट चेंज करेंगे, ये बूट हटाकर हाफ बूट लगाएंगे। इसके आगे हमें गिठान लगा लेंगे यानी कि एक नॉट बना लेंगे। डोरी पाइपिंग हमारी तैयार हो गई है, अब हम इसे करेंगे प्रेस। प्रेस से जो भी इसके बीच में सलवट या झोल होगा उसे निकाल देंगे। अब चाहे तो आप इसे गोल गले पर भी लगा सकते हैं, वी नेक पे भी लगा सकते हैं, जैसे चाहे आप इसे लगा सकते हैं और ये वैसी टर्न होती जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी ज़्यादा राउंड में ये टर्न हो गई है। अगर आपका गोल गला है तो ये उस पर भी बासानी लग जाएगी, मगर मुझे लगानी है थोड़ा सा वी गले पर, तो मैं इसे हल्का सा वी शेप दे के प्रेस करूँगी इस तरह, और जो दूसरी पट्टी है उसे भी। इसका हाफ बूट मैंने हटा के इसका फुल बूट मैंने लगा दिया है। आप पाइपिंग की सफाई देखें। Thank you.
अब इसका हम गला बंद करने का निशान लगाएंगे। निशान हम 7.5 पे लगाएंगे। एक्स्ट्रा जो डोरी पाइपिंग थी उसे हमने कट कर दिया। जितनी सफाई हमारी बाहर वाले साइड से है उतनी ही सफाई हमारी अंदर वाले साइड से भी है। इन चीज़ों का आप लोग ख़ास ख्याल रखा करें, ऐसा ना हो कि जो बैक साइड है वहाँ पर धागे निकल रहे हो या मतलब सफाई नहीं हो। जितनी सफाई हमारी बाहर हो उतनी ही सफाई हमारी अंदर वाले साइड पर भी हो। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि ये वाला जो बुकरम है इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये जो बुकरम है ये हम यूज़ करेंगे बटन टेक पट्टी में। और मुझे बटन टेक पट्टी के लिए 1 इंच चौड़ा चाहिए। ये 1 इंच इसकी चौड़ाई है और तकरीबन 14 इंच मुझे लंबाई चाहिए इसकी। आप लोग बुकरम वेस्ट ना किया करें, इस तरह के जो बुकरम होते हैं उन्हें यूज़ कर लिया करें जैसे मैंने यूज़ किया है। सेफली पट्टी निकल गई। प्रेस की मदद से ये जो पहला साइड है इसे हम नीट कर देंगे। और इसकी एक और तह लगाएंगे। ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है बटन टेक पट्टी बनाने का। आप चाहें तो कपड़े पर भी बना सकते हैं पर आपके गले में वो खूबसूरती नहीं आएगी, आपका गला झोल खाएगा। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को भी हम इस तरह प्रेस से बिठा देंगे। ये लीजिए हमारी बटन टेक पट्टी तकरीबन 70% रेडी है। सिर्फ इसको सिलाई लगा के हम नीट करेंगे। चलिए मैं आपके लिए और आसानी कर देती हूँ। इसको हम इस तरह टर्न करेंगे और इस चीज़ को हम इस तरह फोल्ड करेंगे। कितनी सफाई के साथ हमारी बटन टेक पट्टी बनकर रेडी हो गई है। सारा कमाल इसकी प्रेस का था। प्रेस से तकरीबन हमने बना ली थी, अब हमने इसे सिलाई लगा दिया। डोरी पाइपिंग लग के हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर शेरवानी। अगर आप शेरवानी लाइक नहीं करते तो आप इसको उरेबी मगजी से नीट कर दें तो ये हो जाएगा आपका वी गला विथ गोल नेक, ठीक है। मगर हम लगाएंगे इस पर शेरवानी। शेरवानी गला लगाने के लिए ये बैक साइड है, इसका पहले हम कंधा जोड़ेंगे। अच्छा, कंधा हम जोड़ेंगे थोड़ा डिफरेंट तरीके से। ये है खदड़ का सूट, यानी कि आप सब जानते होंगे इसके धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो कंधा हम इसका सेफ करेंगे। आज मैं आपको एक नए तरीके से कंधा जोड़ना बताऊंगी जिससे आपके धागे नहीं निकलेंगे। हम शर्ट्स के दोनों साइड सीधे लेंगे, यानी कि बैक भी सीधा होगा हमारा और फ्रंट भी सीधा होगा। कितना कम कम मैंने दबाव में लिया है सीधे साइड से। ये सीधे साइड पे सिलाई लग गई है। अब हम शर्ट को करेंगे इस तरह उल्टा। ये देखिए दिखाई दे रहा है। और इसके हम इस तरह पकड़कर जितना हमें दबाव में लेना है उतनी हम सिलाई लगा देंगे इस साइड पर। हम इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे।
तो देखें कितने बेहतरीन तरीके से हमारा ये जो कंधा है ये लॉक हो गया है, यानी कि ये इसके जो धागे थे ये लॉक हो गए हैं, अब ये यहाँ से धागे नहीं निकलेंगे। इन कंधों को हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि इसकी सिलाइयाँ बैठ जाएं और ये नीट हो जाए। अब हम इसकी शेरवानी का साइज़ करेंगे। इस तरह हम इसको शर्ट को पकड़ के आधो आध करेंगे, इनके बैक और फ्रंट दोनों आधो आध कर लेंगे। और इसके ये जो कंधे हैं जो हमने प्रेस की मदद से नीट किए थे, इनको बिल्कुल इस तरह मैच करेंगे। ये मैं आपको वो टेक्निक बता रही हूँ जो बहुत ही आसान है, कोई भी घर में टेलर जैसी शेरवानी लगा सकता है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल बराबर हो गया, यहाँ से कंधे भी बराबर हो गए और यहाँ से ये जो इसके सिरे हैं गले की ये भी बराबर हो गए। आपने इंची टेप लेना है और इसे इस तरह रखना है, इंची टेप बिल्कुल इसकी नोक पर रख कर इस तरह इसको घुमाते जाना है। तो ये हमारा शेरवानी आ रहा है 14 इंच पर, यानी कि 14 इंच पर आ रहा है। ये हम आधा साइज़ में आपको बता रही हूँ, तैयार हमारा 14 इंच पर आएगा। और इस तरह हमारा एक बार फिर करते हैं, इस तरह आपने इसको घुमाते जाना है। ये देखिए 14 इंच पे आ गया। ये हमारा बुकरम है, जिस तरह मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि गला हमारा जो है वो सीधे बुकरम पे बनता है और जो शेरवानी होता है वो हमारा आड़े बुकरम पर बनता है, और वो बहुत ही परफेक्ट हमारा शेरवानी बैठता है क्योंकि वो उरेबी होता है। तो हम इसमें से आड़ा बुकरम निकालेंगे। इस तरह हम इसको आधो आध करेंगे और हम जो शेरवानी बनाएंगे वो शेरवानी हम बिल्कुल बैठा हुआ बनाएंगे, खड़ा शेरवानी नहीं बनाएंगे। इस तरह एक निशान लगाएंगे, एक निशान हम लगाएंगे 3 इंच पर, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है, और एक निशान लगाएंगे हम इसका 6 इंच पर, यानी कि 3 पर लगा है और एक 6 पे लगा है। जो हमारा 6 पे निशान होगा उससे हम इसकी जो गहराई है वो हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और जो हमारा 2.5 इंच वाला निशान है उसको हम इस 3 इंच वाले निशान से मैच करेंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, एक निशान हमने 3 इंच पे लगाया है और दूसरा निशान हमने 6 इंच पे लगाया है। जो 6 इंच वाला निशान है उससे हमने इसका 2.5 इंच पे निशान लगाया है, और ये 3 इंच वाला निशान है इस निशान को हम इस निशान से मैच करेंगे इस तरह। ठीक है, सेम उसी टेक्निक के साथ जिस तरह हमने गले में बुकर ये इंची टेप घुमाया था, इस तरह हम इसमें घुमाएंगे हल्के हाथ से। और जहां हमारा 7 पर निशान आएगा हम उस पर ड्रॉ कर देंगे इस तरह। ठीक है, एक बार फिर इस तरह करके अपने इंची टेप को घुमाते जाना है। ये आपको खुद मेजरमेंट पे लाके बताएगा। ये आ गया हमारा 7 पर, ये हमने इस पर ड्रॉ कर दिया। हमें शेरवानी चाहिए 1/2 इंच का, यानी कि सिर्फ 1/2 इंच का चाहिए, 1 इंच का शेरवानी नहीं चाहिए, वो ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। तो हम इसका 1/2 इंच पे निशान लगाते जाएंगे इस तरह। अब हम इसे नीट कर देंगे। तो हमारा शेरवानी कॉलर कट के हो गया है रेडी। ये देखें इस तरह, जिस तरह मर्दाना शेरवानी आता है ये बिल्कुल इसी तरह बैठेगा। आप चाहें तो इसको स्क्वायर रखें, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा राउंड दे दें, मैं इसको थोड़ा सा राउंड दूंगी। राउंड देने के लिए बहुत ही मामूली सा इस तरह गुलाई कर दें आप।
ये लीजिए। इस बुकरम को अब हम इस एक्स्ट्रा बुकरम के ऊपर चिपकाएंगे जो हमारा कटा हुआ शेरवानी है। इसे बहुत ही हल्के हाथ से चिपकाया है, ऐसा नहीं है कि ये वाला बुकरम जो है हमारा इस पे चिपक जाए। ये बुकरम हमारे इस बुकरम पे चिपक गया है और अब हम इसे नीट कर देंगे। जो हमने एक्स्ट्रा रखा है इसके ऊपर हमारी सिलाई आएगी, ये एक्स्ट्रा। अब इसे आधो आध करके हम एक कुटका लगा देंगे, ये हमारा बीच का सेंटर होगा। हमने इसे भी कट कर दिया। आप सोच रहे होंगे इसे क्यों कट करा है, तभी देखते हैं। ये हमने वही पट्टी ली है जिसकी हमने डोरी पाइपिंग बनाई थी और उसको प्रेस की मदद से इस तरह थोड़ा सा राउंड घुमाएंगे, क्योंकि ये सीधा कपड़ा है तो ये राउंड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, तो हम पहले ही इसे प्रेस की मदद से इस तरह राउंड करते जाएंगे। तो ये राउंड हो गया है। चलो इसे यहाँ पर हमने तकरीबन हाफ बूट की सिलाई लगा दी है। अब हम इसे सीधा करके प्रेस करेंगे। प्रेस करके कपड़ा हमने बाहर की साइड निकालना है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। और थोड़ा थोड़ा सा कट के निशान लगा देंगे। तो ये हमारी पाइपिंग निकल कर रेडी हो गई है। अब हम इसे प्रेस करेंगे। प्रेस की मदद से पाइपिंग हम दो शो करेंगे, एक पाइपिंग हम ये वाली शो करेंगे और एक बारीक पाइपिंग हम ये शो करेंगे। तो ये हमारी दोनों पाइपिंग लग गई हैं। बैक के सेंटर से हम ये वाला सेंटर मिला देंगे जो हमने शेरवानी में कुटका लगाया था। अब हम ये वाला साइड लगाएंगे इस साइड से। हम इसे बहुत हल्के हाथ से लगाएंगे क्योंकि ये राउंड है ना, तो इसमें झोल नहीं आए। ये देखिए हाफ साइड शेरवानी हमारा डन हो गया है। शेरवानी हमारी लग गई है। अब हम इसे करेंगे तुरपाई, यानी कि तुरपाई करके इसका ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम नीट करेंगे। उसके बाद में आपसे मिलती हूँ।
तो माशाल्लाह से मैंने इसको तुरपाई करके कर दिया है रेडी और आपके सामने है कितनी खूबसूरती के साथ मेरा शेरवानी बना है। और मैंने इसको खूबसूरत करने के लिए मज़ीद इसके ऊपर चौड़ी पाइपिंग का टच भी दिया है और शेरवानी भी लग गया है, डोरी पाइपिंग भी लग गई है और मैंने इसके ऊपर लगाए हैं ये फैंसी बटन। आप चाहें तो इसके ऊपर पल मोती या टसल्स वगैरह जो आपको पसंद हो वो लगा सकते हैं। मेरा शेरवानी गला हो गया है रेडी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैंने कितने सिंपल तरीके से आपको डोरी पाइपिंग और शेरवानी लगाना बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे एक नई वीडियो एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।